तो पहले निकाल देते थे सर, अब नया अनुभव मिला एक निकालने का कनेक्टर को और हाइब्रिड सिम ट्रे को। जी बताइए क्या अनुभव मिला आपको सर? नए नए ट्रिक्स मिले हमें यहाँ पे सर। एस एम डी के विदाउट एस एम डी भी हम कैसे कंपोनेंट बदल सकते हैं, आज ये हमको सीखने को मिला। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। जी अपना नाम बताइए। प्रमोद महाराष्ट्र से। प्रमोद महाराष्ट्र से। ये भाई तुमने तो पूरा दुकान लगा दी यहाँ पे। हाँ। कोई चीज़ नहीं छोड़ी इसमें? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा देख सकते हैं आप। प्रमोद ये सब पहले से करना जानते थे आप? नहीं सर, नहीं सर, पहले निकालते थे जब जल जाता था। सब निकालते थे जरूर थे, बाकी जल जाता था। जल जाता। अभी जल रहा है क्या? नहीं सर। हैं? नहीं सर, एक भी नहीं जला। कैसा लगा ट्रिक यहाँ का? बहुत बढ़िया सर। अभी हेडफोन जैक निकल रहे और एक सेंसर विंसर सब निकल दिया, फ्लैश लाइट भी निकल दिया, तभी नहीं जला हुआ। दोनों सिम ट्रे, मेमोरी कार्ड ट्रे, डिस्प्ले कनेक्टर सब ट्रे, ये सब निकल दिया, एक भी नहीं जला। जी बस सर, मैं अजय मुंबई से। अजय मुंबई से। अजय क्या कर रहे हो भाई? सर ये इसका LCD कनेक्टर चार्जिंग सारे कनेक्टर निकाल दिए। यस सर। ये सिम ट्रे बाकी सर, उसमें सिम ट्रे बाकी। यस सर। ये सब पहले करते थे आप? नहीं सर। अभी कोई जल रहा है कंपोनेंट का? सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी। कोई कंपोनेंट जल रहा है क्या? नहीं सर, कोई कंपोनेंट नहीं जल रहा है। दुकान लगा दी तुमने तो पूरी? सब कुछ चीज बाकी रही कि नहीं? सब आपकी छत छाया में हो रहा सर। कुछ चीज बाकी तो नहीं रही है? नहीं सर, सब निकाल दूंगा। सब निकल जाएगा जी? और जलेगा कुछ नहीं सर? जलेगा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जलेगा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस आपने दिया सर? फुल कॉन्फिडेंस। फुल क्या नाम है आपका? जी अजय नाम है मेरा, मैं मुंबई। क्या? अजय नाम है। अजय जी मुंबई से हैं आप? तो चलिए मैं बात करूँ आपसे कि आज किस चीज की क्लास थी? सर आज माइक्रो जंपरिंग की क्लास थी हमारी। माइक्रो जंपरिंग प्लास्टिक कंपोनेंट की क्लास थी? जी जी, प्लास्टिक कंपोनेंट की क्लास थी और माइक्रो जंपरिंग। तो आपने किया? यस सर मैंने किया। मैंने भी किया सर, और बाकी जो भी हैं स्टूडेंट सब ने किया। सब ने किया है। तो जो ट्रिक्स बताई गई है माइक्रो जंपरिंग का, प्लास्टिक कंपोनेंट निकालने का, हाइब्रिड सिम कार्ड निकालने का, मतलब ये सब सारी चीजें ट्रिक्स कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर। आप हमको जिस हिसाब से बताया सर, हमको बहुत इजी तरह से समझाया और हमने वो काम किया निकाल के, कंपोनेंट निकाला वापस इसको लगाया। लगाया भी आपने? यस सर। तो दिखाइए कौन कौन सा निकाला आपने? ये निकाला था आपने? यस सर। ये और क्या निकाला था? ये LCD कनेक्टर निकाला, चार्जिंग। आप इस मोबाइल के फील्ड में कब से हैं? मैं बात करूँ आपसे तो सर अभी तो फिलहाल 8वां दिन है। मतलब आप बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं? तो फ्रेशर इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है भाई? अभी इस तरह से हमको सिखा दे कि फटाफट उसका नॉलेज हो जाता है। मतलब आपको जो ट्रिक बताई जाती है बेबी स्टेप में बताई जाती है या फिर टफ होता है? बेबी स्टेप में होता है या फिर टफ होता है, हार्ड होता है? नहीं नहीं सर, हार्ड नहीं होता सर, बिल्कुल मतलब एकदम नॉर्मल इजी तरह से बताया। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप 8 दिन की क्लास आपकी हो चुकी है। क्लास बहुत अच्छी लगी। चलिए ठीक है, अगर आपको देखे कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो मैं ये बोलूंगा सर कि सोचे ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आके ज्वाइन कर लें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी हमारे स्टूडेंट माइक्रो जंपरिंग कर ही रहे हैं। और हो गया आपका? क्या नाम है आपको बताइए? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद जी आप महाराष्ट्र से हैं, तो बताइए आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी? माइक्रो जंपरिंग और प्लास्टिक कंपोनेंट्स की आज क्लास थी, और जिसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड एडवांटेज में मिला है। तो बताइए हाइब्रिड सिम कार्ड आपने पहले कभी निकाला था? नहीं, इसके पहले कभी नहीं। कहाँ सीखा आपने? अभी निकाला आपने? हाँ। तो मैं अगर पूछूं आपसे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया रहा।
बहुत बढ़िया। तो आपने कौन कौन सा चीज़ निकाला जरा बताइए। मैंने स्लाइड वाला कनेक्टर निकाला, मेरे हेडफोन जैक निकाला आपने? हाँ हेडफोन जैक। बताइए पहले जलता था नहीं जलता था आपको? जलता था। अभी जलेगा? नहीं जलेगा। और बात करें ये डिस्प्ले कनेक्टर B2B केबल वो सब निकाल के बैठा दिया? सब निकाल के बैठा दिया आपने। तो कैसा रहा, क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको देखो कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो? मैं बोलता हूँ देख बिंदास आ जाओ, आप वक्त मत गलाओ, वक्त पे आ जाओ। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप आपकी बातों पे कोई भरोसा करके आया तो? पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? नहीं पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं भी किसी के बातों पे भरोसा करके आया हूँ और उसके ऊपर एशिया टेलीकॉम खराब चला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ मुंबई से। मुंबई से हैं तो आज आपकी किसी से क्लास थी? कनेक्टर का था, सही कनेक्टर निकालो उसमें लगाओ। प्लास्टिक कंपोनेंट और माइक्रो जंपरिंग की क्लास थी। अब बोर्ड में बताइए ऐसा कोई कंपोनेंट है जो प्लास्टिक का हो या फिर कोई सा भी कंपोनेंट ऐसा हो, हाइब्रिड सिम कार्ड की बात करें या फिर माइक्रो जंपरिंग की बात करें, कोई ऐसा चीज़ है जो इस चीज़ की आपकी क्लास थी आज वो चीज़ रहा हो? आप इस बोर्ड में आप बोर्ड उठाइए जरा, इस बोर्ड में आप देख के बताइए कि क्या क्या है और क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या नहीं निकाल सकते। ऐसा कुछ है क्या जो आप ना निकाल पाए? सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा सब। इसमें क्या क्या निकाला था आपने? सर इसमें निकाले कनेक्टर निकाले, सिम ट्रे निकाले। हाँ ये हाइब्रिड सिम कार्ड है, लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड सिम कार्ड नहीं निकलता है, नहीं निकलता। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल निकाल पाएंगे आप? बहुत आराम। कैसा लग रहा है अभी आप इस बोर्ड में एक भी पार्ट, आप हालांकि मैं बात करूँ सेंसर की, सेंसर भी आप निकाल के लगा पाएंगे? सर सर कैसा लग रहा है अभी? आप इसके पहले कभी प्लास्टिक कंप्लेंट निकाला था आपने? नहीं निकाले थे। और निकालते थे तो कभी जला था कि नहीं जला था? पहले निकालते थे तो जल जाता था। 500 की हीट पे आप कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते आराम से। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? बस ये बोलूंगा उनको आना है वो बहुत जल्दी से जल्दी, जो यहाँ का ट्रिक्स है बताने का जो तरीका है जो एकदम, अगर बताइए मैं बात करूँ आपसे कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर आदमी रहे और वो अपने लॉजिक लगाए हम अपना लॉजिक बताए तो क्या वो काम सीख पाएगा क्या? सही नहीं सर, कभी नहीं सीख पाएगा। नहीं सीख पाएगा वो, यहाँ वहीं नहीं आके पता चलेगा कि वो कौन से लेवल पे है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज बैस है, मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हैं आप? तो धीरज जी मैं आपसे बात करूं, आज आपकी कितने दिन की क्लास हुई है? पहले दिन से लेके आज तक का? आज आठवां दिन है। आठवें दिन की क्लास में आज आपका कॉन्सेप्ट था प्लास्टिक कंपोनेंट और माइक्रो जंपरिंग। तो आपने माइक्रो जंपरिंग और प्लास्टिक कंपोनेंट में क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या? बहुत कुछ सीखा सर, इसको निकालना बैठाना कितना किस कौन सा ट्रिक है कैसे मतलब करते हैं, बहुत इजी है सर। इजी है सर के साथ बहुत इजी हो जाता है सर, ट्रिक हो जाता है, ट्रिक से काम। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि ट्रिक देना और काम को बिल्कुल आसान कर देना। जी सर, तो आसान हो जाता है। तो आसान है कि नहीं है? हाँ सर, बहुत सर। अब बोर्ड में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है प्लास्टिक की मैं बात करूँ या फिर चार्जिंग कनेक्टर की बात करूँ या फिर बैटरी कनेक्टर की बात करूँ या फिर मैं हाइब्रिड सिम कार्ड की बात करूँ या फिर माइक्रो जंपरिंग की बात करूँ, कोई भी ऐसा चीज है जो आप ना कर पाए? नहीं सर ऐसा कोई भी चीज नहीं, बहुत अच्छे से सर ने बताया और हमने किया भी, बहुत आसानी से निकल गया और बैठ भी गया। बैठ भी गया जी सर। तो आपने कभी हेडफोन जैक निकाला था? सर कभी नहीं, पहली बार मतलब सर निकाला था। पहली बार कर रहे हैं आप? तो आप इस मोबाइल की फील्ड में कब से हैं? सर यही आके सर मैंने, मतलब आप भी फ्रेशर हैं? बिल्कुल फ्रेशर ही। तो एक बात बताइए मैं आपसे बात करूं तो फ्रेशर स्टूडेंट सीख सकते हैं नहीं सीख सकते? जी सर बिल्कुल सीख सकते, बहुत ही इजी और आसानी से सिखाया जाता है। मेहनत करना पड़ेगा नहीं? आपकी क्लास कितने बजे लगी है? हमारी आज 8 बजे यहाँ हम लोग। अगर कोई 10 बजे सो के उठने वाला है इसे ज्वाइन करना चाहे तो कर पाएगा? सक्सेस नहीं है यहाँ पे, नहीं कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले दिन से 8 दिन की मैं बात करूँ? बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, तो सर बहुत इजी तरह तरीके से समझाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए अगर आपको देखो कोई ऐसे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है? बेझिझक सर, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं तो आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी? माइक्रो जंपर, माइक्रो जंपरिंग की क्लास, प्लास्टिक कंपोनेंट निकालने, प्लास्टिक कंपोनेंट की, माइक्रो जंपरिंग और प्लास्टिक कंपोनेंट की। आप बोर्ड देख के आपको बताइए, बोर्ड कहाँ है आपका? बोर्ड देख के बताइए, हाइब्रिड सिम कार्ड आपने, हाइब्रिड सिम कार्ड का जो जैक होता है वो निकाला नहीं निकाला? सब 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 निकाला, सब उसमें डाल भी दिया। डाल भी दिया आपने? तो कैसा रहा, मतलब कैसा रहा अनुभव? आपने सोचा था कि मतलब हाइब्रिड सिम कार्ड भी आप निकाल के दोबारा लगा पाएंगे? नहीं सोचा था, वो हम निकाल देते थे जल जाता था खराब हो जाता था, लेकिन अब अगर आप निकालेंगे तो क्या जलेगा आपसे? नहीं वो जलेगा, तो वो अब नहीं जलेगा। हाँ। तो ओवरऑल मैं बात करूँ आपके हैंड स्किल की, तो हैंड स्किल की क्या आप बोलना चाहेंगे? हैंड स्किल आपका इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। माइक्रो जंपरिंग आपने किया कि नहीं किया? किया देख लो, वो जैसा कि देखिए इन्होंने माइक्रो जंपरिंग किया है, कौन सा किया आपने? ये अंदर वाला किया? हाँ अंदर। तो
कैसा लग रहा है अभी माइक्रो जंपिंग करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रैक्टिकली देखने को मिला कि नहीं मिला? प्रैक्टिकल देख मिला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नंद किशोर जी। आप कहाँ से हैं? भिंड से हैं, एमपी से। एमपी से ही हैं, तो चलिए मैं आपसे बात करूँ। आज किस चीज़ की क्लास थी? आज सर कंपाउंडिंग निकाली, सभी प्लास्टिक के लगाए सबरे। और आपकी प्लास्टिक कंपोनेंट प्लस आपकी माइक्रो जंपरिंग की क्लास थी, है ना? हाँ सर, यही है ना? हाँ सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर। चलिए मैं बात करूँ सबसे पहले आपका प्लास्टिक कंपोनेंट का। आप इस फोन को उठाइए और बताइए इसमें क्या क्या आप निकाल के दोबारा से लगा सकते हैं और वो डैमेज भी नहीं होना चाहिए। सब ये निकाल सकते हैं, प्लास्टिक के जितने भी हैं सारे। प्लास्टिक के कोई भी कंपोनेंट? हाँ सर जी। आईसी तो आपने चौथे दिन में सीपीयू निकाल के लगाया हुआ था, पहले दिन तीसरे दिन में आपने 4G फोन का पावर आईसी निकाल के लगाया था। हाँ सर, ये भी निकाल के लगाए दोबारा। और आज आप पूरे फोन की प्लास्टिक कंपोनेंट बात करें, हेडफोन जैक की बात करें, आपके कैमरे जैक की बात करें, डिस्प्ले जैक की, कोई सा भी ऐसा कोई कंपोनेंट है इस फोन में जो आप निकाल के दोबारा से लगा ना पाए और जल जाए आपकी एसएमडी से? सब लगा लेते हैं। एसएमडी आपकी 2000 की हो या 20000 की, सब जलेगी क्या? नहीं नहीं नहीं। कैसा लगा ट्रिक? बहुत बढ़िया लगा। क्या बोलना चाहेंगे आज के क्लास के लिए? बहुत बढ़िया बोलना। अगर आपको देख के कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं। माइक्रो जंपरिंग आपने किया है? दिखाइए माइक्रो जंपरिंग। हट गया सर वो। अच्छा हाँ, उंगली से हट गया। तो ओवरऑल जो ट्रिक्स है निकालने का लगाने का, अगर पैड टूटता है और पैड टूट भी जाए तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि वो लाइन है या फिर एनसी है? वो पता पा लें सर जैसे, और जो ट्रिक्स आपको बताएगी, हमको ट्रिक्स नहीं आप पॉपअप करना है, लेकिन आप बताइए जो ट्रिक्स आपको बताया गया है उस ट्रिक्स से आप पता कर पाएंगे कि ये लाइन एनसी है कि लाइन है? हाँ सर पता। चलिए ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये हमारी क्लास लाइव है और लाइव स्टूडेंट कुछ वर्क कर रहे हैं, पूछते हैं इनसे क्या वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? ये पीसीबी के सारे आपके चेक्स वगैरह कहाँ गए? इसमें तो कुछ भी नहीं है पीसीबी में, सब निकाल दिया आपने? यस सर, सब निकाल दिया। क्या निकाला इसमें से आपने? सर इसमें से आपका सिम ट्रे निकाल दिया है। हाँ निकाल दिया उसका। जल गया क्या ये सिम ट्रे? नहीं सर नहीं जला है। और ये आपका जो डिस्प्ले कनेक्टर है ये भी जला क्या? नहीं सर कुछ भी। ये भी जला क्या? नहीं जला। ऐसा कैसे? सर अभी निकाल दिया है। कैसे हुआ ये सब? यहाँ में आके हुआ, जैसे टेलीकॉम में। तो कोई चीज बची है क्या आपके पीसीबी पे? नो सर, सब निकाल दिया। सब निकाल दिया जी सर। कैसा लग रहा है ये सब करके? बढ़िया लग रहा है। भाई कपड़ा लेके जाना। आप जैसा देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा, सब निकाल दिया। सब निकाल दिया जी सर। तक ये नेटवर्क का भी निकाल दिया, इतना छोटा नेटवर्क का एंटीना भी निकाल दिया आपने जी सर। हाइब्रिड सिम भी निकाल दी। जली क्या आप? नहीं सर कुछ नहीं जली। ठीक है, अभी एक और स्टूडेंट के पास चलते हैं हम। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम जफर है। जफर जी क्या क्या निकाल दिया आपने? सारे कनेक्टर्स निकाल दिए। पूरी पीसी भी ब्लैंक कर दिया आपने? पूरा। कौन कौन सा कनेक्टर निकाले आपने थोड़ा बताइए? चार्जिंग कनेक्टर भी निकाल दिया आपने। और क्या निकाला? बैटरी कनेक्टर भी निकला हुआ है, डिस्प्ले कनेक्टर निकला हुआ है, सब पीसीबी कनेक्टर निकला हुआ है, कैमरा कनेक्टर निकला हुआ है। अच्छा डिस्प्ले निकली हुई, इसके कनेक्टर निकला हुआ है। अच्छा तो ये इस टाइप का काम आप पहले कर पाते थे क्या? नहीं सर, पहले हम लोग करते थे, जल जाता था सर। जल जाता था जी सर। अभी कोई दिक्कत होगी क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी बड़े आराम से हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, थोड़ा सा नाम बताइए अपना। रईस, गुजरात से। रईस पीसीबी पे क्या बचा भाई? सब तो निकाल रहे हैं। बस ये आखिरी बचा है सर। आखिरी बचा ही है जी सर। हाँ थोड़ा बताओ हमको कैसे निकाल रहे हो, है ना? देखते हैं हम कैसा निकाल रहे हैं। स्टूडेंट आप लाइव देखिए, ये हाइब्रिड सिम ट्रे है, ये मेरे साथ में लाइव निकालेंगे स्टूडेंट और देखते हैं ये जलता है कि नहीं जलता है। आप भी देखिए, चाय के गिलास से पता नहीं कौन सा लिक्विड निकाल के लगा रहे हैं ये।
नीचे से डाल, नीचे से, नीचे से विंडो वॉश के बाद। आप देख सकते हैं रईस के ये कनेक्टर है आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टर। ये पॉइंट कितने सोल्ड होते हैं इसके अंदर सिमटर में? 33 सर। 33 पॉइंट होते हैं? जी सर। ये तो आज तक हमने YouTube पे भी नहीं देखा, कैसे रईस ये सर? ये सब एशिया टेलीकॉम की टीम की बदौलत है सर। कैसा लग रहा है भाई ये काम करके? आप सर लाइफ में फर्स्ट टाइम किया सर ये? फर्स्ट टाइम किया? फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या करा भाई तुमने, पूरी पीसी भी ब्लेंड कर दी इसके अंदर? कनेक्टर निकाल लिया, सिमटर निकाल रहा हूँ सर। अपना काम कीजिए। अभी क्या कर रहे हो सर? सिमटर निकाल रहा हूँ। ये इस टाइप का काम आप पहले कर पाते थे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाते। अभी कौन कौन सा आइटम निकाल लिया आपने सर? वो एक एंटीना कनेक्टर है सर, एक बैटरी कनेक्टर है, एक डिस्प्ले है सर। कोई चीज बाकी रहेगी आज के? नहीं सर, किसी भी नो सर। पीसीबी का क्या हाल किया भाई तुमने? क्या कुछ भी नहीं रहने दिया इसके ऊपर? सब निकाल दिया तुमने? सब निकाल दिया? हाँ सर। तो ऐसा काम पहले कर पाते थे आप? नहीं सर, पहले नहीं कर पाते थे। पहले नहीं कर पाते थे? नहीं सर। और अब कर लेते हैं। वेरी गुड जी, बताइए। सर सारा कंपोनेंट निकाल दिया, प्लास्टिक सारा सब निकाल दिया? यस सर। कहाँ से हो थोड़ा बता दो। बिहार से। बिहार से, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा जी। सभी चीजें निकाल दी आपने? हाँ सर। बिना जलाए? बिना जलाए। कैसा लग रहा है सब करके? इससे पहले तो ये कर ही नहीं पाते थे। नहीं कर पाते? नहीं सर। तो ट्रिक सही मिली है आपको? सही ट्रिक मिली है सर। कितना इजी करा है कंपोनेंट निकालना? बहुत इजी करा है सर। ये थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम गौरव है, दिल्ली से। हाँ गौरव, बताइए क्या क्या निकाला आपने? सर सिमटर निकाल दी, कैमरा कनेक्टर निकाल दिया, हैंड फ्रीज निकाल दी। तो ये सिमटर जली है आपकी? नहीं सर, जली। कैमरा कनेक्टर जला क्या? नो सर, कुछ भी नहीं जला, आप देख सकते हैं। अभी देखिए
थोड़ा दिखाइए, देख सकते हैं आप कैसे भी दिखाई दे। वेरी गुड, कुछ नहीं रंग दिया पीसीबी में आपने? नहीं, कुछ भी नहीं सर। तो कुछ अब कुछ बचेगा तो नहीं पीसीबी में? जी सर। किसी भी चीज को निकाल के लगाने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर, हमको नहीं। नया खरीदना पड़ेगा कि हम दूसरे बोर्ड से निकाल के इसमें डाल सकते हैं? दूसरे बोर्ड से निकाल हर चीज निकाल के डाल सकते हैं हर चीज? जी सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। क्या कर रहे हो भाई? ये निकाला है अभी, ये निकाला है तुमने? जी सर। इसके पहले ये प्लास्टिक कंपोनेंट पे काम कर पाते थे आप क्या? जी नो सर। हाँ नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाते? नहीं। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरी दुकान खोल दी तुमने? हाँ सर, कंपोनेंट की पूरी दुकान खोल दी। कुछ भी नहीं रहा पीसीबी में आपके? कुछ नहीं, जला भी नहीं। और जला भी नहीं? कुछ नहीं। आप जैसा देख सकते हैं इसके अंदर एक भी कंपोनेंट जला नहीं है इनका। इसके पहले करवाते थे राकेश आप? नहीं नहीं, नहीं। कितना समय से काम कर रहे थे आप? तीन चार साल से। तीन चार साल से कर रहे थे? किस लेवल का करवा रहे थे? क्या लेवल का नहीं, वो निकाल देते थे लेकिन जल जाता था। जल जाता था? निकाल देते थे, अभी चलता नहीं। अभी अभी नहीं चलेगा, दूसरे में से भी निकाल के। अभी इसके बाद क्या माइक्रो जंपरिंग करोगे आप? उसके बाद तो मैं आऊँगा वापस आपसे मिलने, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं। चलिए जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट। बताइए क्या चल रहा है? सब निकाल रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, कोई चीज़ नहीं छोड़ी आपने? नहीं नहीं, निकल गया था वो पहले से। कैसा लग रहा है सब? बढ़िया लग रहा है। क्या क्या निकाल दिया भाई आपने? डिस्प्ले कनेक्टर निकाल दिया सर। डिस्प्ले कनेक्टर भी निकाल दिया आपने? लीड कनेक्टर है। हेडफोन भी निकाल दिया, सिम ट्रे भी निकाल दिया, हाइब्रिड सिम ट्रे भी निकाल दी, सेंसर भी निकाल दिया आपने? हाँ, सेंसर निकाल दिया। कैसा लग रहा भाई ये करके? इसके पहले ये सब कर पाते थे आप क्या? प्लास्टिक का काम नहीं कर पाते थे कंप्यूटर। क्या क्या निकाल दिया आपने? कनेक्टर, सारे कनेक्टर निकाल दिए। अच्छा, पीसीबी में कुछ बचेगा क्या आज? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा? कुछ कुछ नहीं। सब चीज़ें निकाल दी आपने? निकाल दी। तो ये हाइब्रिड सिम ट्रे भी निकाल दिया, हेडफोन भी निकाल दिया, ये झूले वाला कनेक्टर भी निकाल दिया है ना? झूला कनेक्टर होता काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना नोट पे होता है ना? एच पी सी कनेक्टर भी निकाल दिया आपने, टच कनेक्टर भी निकाल दिया, कैमरा कनेक्टर भी निकला हुआ है। तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी आपने? नहीं। कोई चीज़ जली क्या आपसे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे पूरी दुकान लगा दी तुमने तो? जी सर। और नाम बताइए अपना? आदिल। आदिल, पूरी दुकान लगा दी भाई आपने तो? जी सर। एक दो तीन चार पाँच छः, कुछ पीसीबी में बचने थे वो कि नहीं बचने थे? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से। क्या क्या निकाल दिया भैया सर? एक कनेक्टर निकाल दिया अभी मैं, एक एक तरह से। कुछ जला क्या? कुछ भी नहीं जला, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं जला। ये पहले इस लेवल का काम करते थे? नहीं सर, नहीं सर, तीन साल हो गए। जी
कितना निकाल दिया आपने? 86 निकाल। क्या नाम है आपका? धीरज सर। धीरज जी कहाँ से हैं आप? जम्मू से। जम्मू से हैं। तो आज आपकी किस चीज की क्लास थी? कंपोनेंट्स और माइक्रो जंपिंग। प्लास्टिक कंपोनेंट और माइक्रो जंपरिंग की क्लास थी। तो आप बताइए ये कौन सा बोर्ड है? ये सैमसंग का A50 टाइप का कोई बोर्ड है, A50, A20, A30 कोई सा भी बोर्ड होगा, ये A सीरीज M सीरीज का। तो मैं बात करूँ आपसे, अभी इस बोर्ड में कोई ऐसा चीज है, ऐसा कोई कंपोनेंट है, ऐसा कोई आईसी है? सर देखो ना, इसमें सारे मैंने खुद उतार के लगाए हैं। कैसे लगे हुए आपको? अच्छा, आपने इसको निकाल के लगा भी दिया है? हाँ जी। तो जैसे इसमें माइक्रो जंपिंग भी करी है मैंने, वो भी देखो। देखो ये कि आपने माइक्रो जंपरिंग। यस सर। तो अभी बताइए कि कैसा लग रहा है अभी आपको? बढ़िया है। इसमें कोई ऐसा कंप्लेंट है जो आप निकाल के लगा ना पाए? कोई नहीं है। ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है? जलेगा भी नहीं। और जलेगा भी नहीं। आपने पहले बताइए, अभी कभी आपने इस मोबाइल के फील्ड में काम किया है? हाँ किया ना, मेरे को आज 8वां दिन है मेरा मोबाइल। 8वां दिन है। और इसके पहले आपने कभी काम किया था मोबाइल में? नहीं नहीं किया था। हाथ मेरे सबूत हैं, जलाया मैंने। हाँ किया था। सीखते सीखते हाथ भी जलाया है आपने? जी जी। मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर थे पहले? जी सर। चलिए आगे से हाथ जलेगा क्या? नहीं, ट्रिक मिल रहे हैं सर से। मिल रही है। चलिए मैं बात करूँ आपसे, तो माइक्रो जंपरिंग का क्लास कैसा रहा आपका? बढ़िया था। जितना आप हैंड स्किल, जितना आप काम करेंगे उतना इनहेंस होंगे आप। हर चीज का प्रैक्टिस है। और आप जितने हिसाब से फ्रेशर हैं, जैसे उतने हिसाब, मतलब जैसा आप कवर कर रहे हैं वैसा बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मतलब कि कोई जज नहीं कर सकता आपको कि आपको 5 साल से कम एक्सपीरियंस है मोबाइल के फील्ड में। तो अभी आपने माइक्रो जंपरिंग भी किया और हाइब्रिड सिम कार्ड भी निकाला है और कैमरे का डिस्प्ले जैक सारी चीजें आपने निकाली। आपको कैसा लग रहा है अभी बताइए? बढ़िया। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बिल्कुल, मतलब पहले पुराने कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा? जी कॉन्फिडेंस आपको होगा सर, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है बस आप ही कर पा रहे हो, बाकी स्टूडेंट ना कर पा रहे हो? पूरी क्लास करिए सर। पूरी क्लास ने की है सर। जब तक एक एक बच्चा कर नहीं लेगा क्लास आगे बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी। टेलीकॉम का ये रूल है। रूल है, हर बच्चे को साथ लेके चलते हैं। चलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे अगर कोई आपको देख के टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो? सर मेरे बोलने से क्या होगा, जब वो यहाँ आएंगे तब उनको पता चलेगा एशिया टेलीकॉम किस लेवल पे सिखाता है। आप जिस लेवल पे सोच के आए थे उससे ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? शिवानंद। शिवानंद जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप। तो चलिए आज किस चीज की क्लास थी मैं आपसे बात करूँ तो? पूरे कनेक्टर पूरे निकाल के बिठाने का, सिम ट्रे निकाल के बिठाने का। आज आपकी क्लास थी प्लास्टिक कंपोनेंट और माइक्रो जंपरिंग की, है ना? अब इस पीसीबी में, दोनों पीसीबी उठा के बताइए, इस पीसीबी में कोई ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो आप निकाल के दोबारा से रिफिक्स ना कर पाए? नहीं नहीं सर, पूरे कंपनी के स्ट्रिप पूरे पूरे निकाल के सेंसर से निकाल के बिठाया। सेंसर भी निकाला था आपने? हाँ निकाला था। और ये इसमें जो जैक लगा हुआ है प्लास्टिक कंपोनेंट वाले, पूरे 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 हाइब्रिड सिम कार्ड की बात करें तो आपसे सिम ट्रे भी निकाल के बिठाया। सिम ट्रे भी निकाल के लगाया आपने? जी। तो बताइए ऐसा कैसे, मतलब संभव है क्या? मतलब एक दिन के क्लास में आप कोई सा भी कंपोनेंट निकाल लें या फिर आप हाइब्रिड सिम कार्ड निकाल लें और दोबारा से उसको फिक्स भी कर दें? ऐसे ट्रिक है यहाँ, ट्रिक्स हैं। आप पहले दिन से लेके आज आपकी एक हफ्ते की क्लास हो गई है आपकी, मैं बात करूँ आपसे तो एक हफ्ते में जो हैंड स्किल मिला आपको वो आज काम आया कि नहीं आया? बहुत बहुत काम। आपने कभी सोचा था कि अभी हाइब्रिड सिम कार्ड भी आप निकाल के दोबारा से लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, सोचा भी नहीं था। निकाल भी सकते हैं। तो आप बताइए माइक्रो जंपरिंग आपने किया कि नहीं किया? यस। माइक्रो जंपरिंग की ट्रिक्स कैसी लगी आपको? बहुत बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है बस तुक्के में बता दिया जाता हो और आपको प्रैक्टिकली ना दिखाया जाता हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल से? प्रैक्टिकल। तो ओवरऑल माइक्रो जंपरिंग जो किया है आपने दिखेगा ना अभी, बहुत हार्ड इतना माइक्रो, ये इन्होंने सीपीयू में माइक्रो जंपरिंग किया ओवरऑल देखा जाए तो। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, बहुत अच्छा। तो क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो और नई नई ट्रिक्स से काम सीखना चाहते हो तो? बिल्कुल यहाँ आए, यहाँ बहुत बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत बहुत अच्छा मिलता है। बात करें यहाँ के टीचर्स के नॉलेज की, बहुत बढ़िया नॉलेज है। ऐसा तो नहीं 2-4 महीने काम करने वाला आके यहाँ पे टीचर बन गया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीख के नहीं, बहुत बहुत अनुभव है। अनुभव है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार। रजनीश जी आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो चलिए आज बताइए किस चीज़ की क्लास थी आज आपकी? सर माइक्रो जंपिंग। माइक्रो जंपरिंग की। मैं बार बार लाइव इसलिए ले रहा हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ, जो हमने आज क्लास दिया है स्टूडेंट्स को वो कर पाए हैं कि नहीं कर पाए प्रैक्टिकली। हम लोग तो थ्योरी और प्रैक्टिकल हालांकि साथ के साथ देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट के जुबान से, है कि नहीं? हाँ सर। तो बताइए आपने माइक्रो जंपरिंग किया है? हाँ सर।
तो देखिए फ्यूजर के पास। तो माइक्रो जंपरिंग करने में कोई दिक्कत आई क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब एक बार बताइए क्या नाम है आपका? बताइए रजनीश जी। तो अगर आपको देख के कोई बिहार से आना चाहे तो क्या वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे? बिल्कुल करे कि नहीं करे? तो पूरा कहूँगा अभी आकर के ज्वाइन करें। अभी ज्वाइन करें तो ओवरऑल जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स की मैं बात करूँगा आपसे, आप इस मोबाइल की फील्ड में काफी दिनों से हैं? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ। फ्रेशर आप भी हैं? अच्छा, फ्रेशर स्टूडेंट माइक्रो जंपरिंग कर लेता है कि दिन में? सर यहाँ तो सब संभव है। यहाँ संभव है। अब इसमें बताइए कोई ऐसा कंपोनेंट है प्लास्टिक का हो या फिर कोई सा भी? सभी रिमूव करके फिर से मैंने सब को लगा दिया। इस कंपोनेंट को सारा आपने नहीं रिमूव किया? हेडफोन जैक को भी रिमूव किया? सर पूरे। ये तो बिल्कुल पता है कोई नहीं लगा पाएगा। और सेंसर की बात करें तो सभी ये सेंसर भी आपने निकाल के लगाया? हाँ सर। तो देखिए इन्होंने अभी डिस्प्ले जैक भी निकाला ही हुआ है और ये V2B केबल है बैटरी। ये इसमें था ही नहीं, था ही नहीं, ये मैंने निकाल कर दिया। इसमें से कौन कौन सा ट्यूजर से दिखाइए? ये वाली। हाँ। और ये जो है सो। और ये इधर में सर ये सिम स्लॉट। हाइब्रिड सिम कार्ड भी निकाला आपने? हाँ सर। तो हाइब्रिड सिम कार्ड लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड होता है निकालना, बहुत दिक्कत होता है, कैसा है? इजी है? इजी है या इजी कर दिया गया आपके लिए? कर दिया गया है। कर दिया गया आप लोगों के द्वारा? इजी कर दिया गया। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए, यहाँ के टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बेस्ट है सर। बेस्ट है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थे 28 फरवरी की बैच। यस सर। क्या क्लास की भाई हमारी आज? माइक्रो जंपर की क्लास। यस सर। अच्छा ये बताओ मेरे को कि पूरे सेट में पूरे ये पीसीबी है मेरे हाथ में, ये पीसीबी है, इसके अंदर कोई सी भी चीज बची है क्या? नो सर। कोई सी भी बची है? नो सर। ऐसी कोई सी चीज बची है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, किसने किसने करी भाई कंपोनेंट, किसने किसने निकाले? सबने निकाले। सबने निकाले? यस सर। हाइब्रिड सिम किसने निकाली? सबने सर। बिना जलाए? यस सर। कनेक्टर? यस सर। माइक? यस सर। हेडफोन? यस सर। सिम ट्रे? यस सर। और आपका कैमरा कनेक्टर? यस सर। है ना? और सेंसर? यस सर।
और साथ में एंटीना पेट। यस सर, निकाले आपने। यस सर। अब इसमें कोई भी ऐसा कोई भी पेरिफेरल्स बचा है क्या? ऐसा कोई ऐसा बचा है कि जो आपने नहीं किया हो? नो सर, सब किया है ना। यस सर। माइक्रो जंपरिंग किसने किसने की? सबने की है सर। सबने की है? यस सर। ईमानदारी से? यस सर। चलिए ठीक है। ओवरऑल कैसी लगी क्लास आपको? क्या नई चीज सीखने को मिली आपको यहाँ पर? ट्रिक्स मिले सर। पहले निकालते थे तो डर जाते थे सर, अब नया अनुभव मिला एक निकालने का, कनेक्टर को और हाइब्रिड सिम ट्रे को। जी बताइए क्या अनुभव मिला आपको सर? नए नए ट्रिक्स मिले हमें यहाँ पे सर। SMD के विदाउट SMD भी हम कैसे कंपोनेंट बदल सकते हैं, आज हमको सीखने को मिला सर। तो आयरन से बदल सकते हो? यस सर। मैं बोलूं कि IC निकाल सकते हो आयरन से? यस सर। निकाल सकते हो? यस सर। मजाक कर रहे हो? नो सर। सर IC और ये अभी टीवी टेप का जैसा हम लोग को लगता है वैसा निकाल देते फटाफट, बड़े बड़े बड़ी बड़ी एकदम ईजी सर। यस सर। यस। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए ठीक है।